फिरोजपुर की जीरा की मंसूरवाल की शराब फैक्ट्री के बाहर धरना जारी है। पुलिस ने बीते दिन मामला दर्ज किया था और जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया था पुलिस उनको पकड़ रही है। पुलिस की तरफ से मंसूरवाल की शराब फैक्ट्री के 1 किलोमीटर पहले मोड़ पर किसानों ने टेंट लगाकर चेक पोस्ट बनाई हुई थी, उसको पुलिस ने उखाड़ दिया और पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। वहीं मोर्चे पर पहुंच रहे किसानों को पकड़कर हिरासत में लिया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हो गई और पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। साडा सिर्फ जी ए रोड ते जिहड़ी आ 144 लगी आ, दूजा जिहड़ा रोड ओ इन्हां नूं सीधा धरने च पंडाल च पहुंचण दा रस्ता दित्ता आ। इन्हां दी जिद जी इसे रस्ते थाने जाणा, साडे अपना अफसर कह रहे आ वी असीं नाल चलदे आ, तुसीं तुहाडा मकसद आ धरने तक पहुंचणा, बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨੇ, ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ, ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। पिछले 4.5 महीने से 40 से 50 गांव वाले और अलग अलग किसान जथेबंदियों की तरफ से जीरा फिरोजपुर के गांव मंसूरवाल में शराब की फैक्ट्री के बाहर धरना दिया जा रहा था। मंसूरवाल की शराब फैक्ट्री से 1 किलोमीटर पहले मोड़ पर किसानों ने टेंट लगा लिए थे, जिसे पुलिस ने उखाड़ दिया और वहां पुलिस ने मोर्चे पर पहुंच रहे लोगों को हिरासत में लिया। किसानों और गाँव वालों ने कहा कि पुलिस उनको जबरदस्ती उठा कर ले गई है, ये गलत है। ये बहुत प्रशासन ने जो भी कार्रवाई कर रहा निंदन योग आ, क्योंकि पंजाब दे विच बैठे हाँ तो जिन्हें भी किसान आपका हक लैण वास्ते बैठे आ, तुसी देखिया होना इत्थे दे पानी दे की हालात है, इस एरिए दे की हालात है, जिहड़े कैंसर नाल लोग मर रहे आ। तो असी ये पिंड जिहड़ी BKU सिद्धूपुर वालों अज कॉल सीगी भी इस किसानां दा साथ देण वास्ते, असी इन्हां दे जिहड़ा प्रशासन लगातार कई दिनों तो इन्हां नाल धक्का कर रहा, किसानां नूं ये धरना चुकाउण की कोशिश कर रहा, इस करके असीं अज साथ देण वास्ते आए सी। ते असीं पूरे करड़े शब्दां विच प्रशासन की निंदा करते हैं कि अपने ही भरावां ते जिद्दां उन्हां दे भी धीआं पुत्तरां ने इत्थों भी इसे धरती का पानी पीना आने वाले समय में, तो उन्हां अपने ही भरावां ते अपनियां मावां ते अपनियां भैणां ते लाठीचार्ज करदे ने, बड़ी निंदनयोग घटना। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में लगातार जांच चल रही है, इस दौरान कई गैंगस्टर्स को काबू किया जा रहा है, इसके साथ साथ पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच इनकम टैक्स की तरफ से कमर कस ली गई है, जिसके चलते पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों के घर पर छापेमारी की गई। इसमें सबसे पहले नाम गायक रंजीत बावा और कंवर गरेवाल का सामने आया। जानकारी के मुताबिक गरेवाल के घर पर छापेमारी की गई। पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने सोमवार को साबका मुख्यमंत्री और भाजपा आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह के साबका सलाहकार के घर पर छापा मारा। ये छापेमारी आमदन से ज्यादा जायदाद के मामले में साबका सलाहकार BIS चाहल पर की गई। इसके साथ ही इमिग्रेशन अधिकारियों से BIS चाहल के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी करने की हिदायतें भी मांगी गई। जम्मू संभाग के जिला डोडा के घरसू इलाके में मंगलवार तड़के एक कार के चेनाब नदी में जा गिरने की खबर आई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस, NDRF और स्थानीय लोग मौके पर हैं, बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक डोडा किश्तवाड़ मार्ग पर घरसू क्षेत्र के पास एक कार अनियंत्रित होकर चेनाब नदी में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम बचाव अभियान के लिए पहुंच गई। अधिकारी ने बताया कि कार में सवार कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने शोपिया में पूरन कृष्ण भट्ट की निर्मम हत्या की थी। वहीं इस हत्या के बाद सुरक्षा बल लगातार उन आतंकियों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, आतंकी लतीफ लोन को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं पूरन कृष्ण भट्ट के परिवार ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और कहा कि हमें एक सुकून जरूर मिला है, सुरक्षा बलों ने अपना वादा पूरा किया। हरियाणा के हिसार में घनी धुंध के कारण उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला बाल बाल बचे। हिसार से सिरसा जाते वक्त देर रात अग्रोहा के नजदीक ये हादसा हुआ। काफिले में चल रही पुलिस की बोलेरो के अचानक ब्रेक लगने के कारण काफिले की गाड़ी टकरा गई। सड़क पर घनी धुंध के चलते ये हादसा हुआ।
हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं हो सकेगा। हरियाणा के राज्यपाल ने मंगलवार को धर्मांतर पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब हरियाणा में कोई भी महिला और पुरुष शादी के लिए धर्म नहीं बदल पाएगा। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी। हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा में पिछले 4 वर्षों में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले दर्ज हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से आप राष्ट्रीय पार्टी बनी है तब से भाजपा की नींद उड़ गई है। भाजपा अब दिल्ली की जनता के खिलाफ है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी ने आम आदमी पार्टी पर 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश लगाए हैं। इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके लिए एलजी के पास कोई पावर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे पास आएगा लव लेटर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और उसका बड़ा कारण ये है कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद आनी बंद हो गई है। MCD के चुनाव के अंदर जहाँ पर जनसंघ की नींव रखी गई, जिस दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अंदर जहाँ जनसंघ की नींव रखी गई, वहाँ से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने निकाला है, ये बात साफ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अब सीधा झगड़ा दिल्ली के लोगों से है। और पहली बात तो ये कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करें।